हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज न्यूटन सेकंड लॉ पे हम लोग वर्क करेंगे एंड अबाउट एफबीडी हम लोग सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो आप लोग बोलते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। पहले उसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे और मैथमेटिकली प्रूफ करने के बाद थोड़ा सा फील कराएंगे उसको। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले इसका मतलब क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज, देखिए किसी भी चीज में अगर चेंज पता करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक से चलते हैं, अगर चेंज देखना है किसी भी चीज में तो किस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में आप चेंज दे सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि बच्चा बॉर्न होता है, बेबी रहता है, तो उसकी हाइट इतनी छोटी होती है, फिर टाइम बीतता है, दो साल बाद फिर इतना बड़ा हो जाता है। तो ये जो चेंज बोले ना, इतना छोटा से इतना बड़ा, ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं इतना, ये क्या किस रेस्पेक्ट में, ये टाइम के रेस्पेक्ट में हम बच्चे की हाइट का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि चेंज हो रहा है। तो लाइफ में कोई भी चेंज देखिए तो ज़्यादातर हम लोग टाइम रिलेटेड चेंज देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है, ठीक है, आइस से वाटर बन गया, किस ये जो चेंज है ये किस रेस्पेक्ट में हमने देखा, टाइम रिलेटेड चेंज होता है। टाइम बीतता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आप बढ़ाते हो और फिर क्या होता है कि सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो चेंज हमें देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का चेंज यानी कि डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, यही बोला जा रहा है। देखते हैं, तो देखिए ये dp/dt और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा, बोला जाता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा ना कि इक्वल बोला जाता है। तो m आगे आ जाएगा और डिफ्रेंशिएटिंग dv/dt, देखिए dv/dt की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, dp यहाँ पे ये आता है आपका MA, यानी कि अप्लाइड फोर्स, और उसके बाद से जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, अप्लाइड फोर्स, यानी दैट इज यहाँ पे आ जाता है अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये देखिए MA आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग या तो ये लिखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फोर्स लिखें, तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो साइन आता है, आप लोग F इज इक्वल टू MA पढ़ते हो, तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका आता है प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये देखिए इस रीजन की वजह से आता है कि उस टाइम में, जिस टाइम में न्यूटन ने हमें लॉ दिया था, उस टाइम में हम लोग को यूनिट के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि यूनिट्स का क्या वैल्यू होगा। और जब यूनिट के बारे में आपको ना पता हो तो साइंस में बहुत ही अच्छा सा रूल होता है, मे बी आप लोग आगे हायर स्टडीज में अपने जब जाओगे तो उसको सीखोगे, वो रूल ये कहता है आपको कि यूनिट्स के बारे में जानकारी ना हो तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से अलॉट कर सकते हो। तो यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है यानी कि F इज इक्वल टू के एम ए, तो इस K की वैल्यू 1 रखी गई, तो ये यहां से आता है आपका F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये रहा इसका पूरा डेरिवेटिव प्रूफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। चाहे ये लिखिए या आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है, आपको फॉर्मूला ऐसे बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये रहता है dp/dt का, हमने ये वैल्यू पुट किया, यहाँ तक ही आया, अब इसकी जगह पे आप इसको पुट कर सकते हो, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड लॉ का प्रूफ था। अब इसको देखो समझ कैसे सकते हो, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप ये कोई छोटी सी बॉल है, इस छोटी सी बॉल को अगर आपको पैर से किक करना हो तो इसके मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा, आप कितना तेज से किक करते हो अपने पैर से वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर धीरे से किक करते हो तो स्लो मोमेंटम होगा, स्लो चेंज होगा, अगर जोर से किक करते हो तो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। अगर इसी बॉल की जगह पे, अगर इसी बॉल की जगह पे स्टोन रहता, इसी बॉल जब स्टोन होता तो नो डाउट कि आपका जो लेग होगा वो फ्रैक्चर भी हो सकता है, आपको चोट भी लग सकती है। रीजन क्या है, मोमेंटम में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है कि दैट इज मास बढ़ गया, यानी मोमेंटम इसका खुद बढ़ा हुआ है, इसका मास खुद बढ़ा हुआ है, इनर्शिया बढ़ा हुआ है। अब उसके बाद अगर आप इसका मोमेंटम चेंज करना चाहते हो तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसे भी देखिए, अगर हम अपने हाथ से फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे सिर्फ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें उनका फोर्स फील नहीं होता है, उनके मोमेंटम में चेंज हो सकता है। इस मार्कर को अगर आप हवा में लटकाते हो और फिर फोर्स
लगाते हो तो भी इसका मोमेंटम देख सकते हो कि चेंज होता है, समझ में आएगा। पर यही धीरे धीरे मासेस को बढ़ाते जाओ मार्कर की जहाँ पे हैवी मास हैवी मास हैवी मास, फिर जो आप फोर्स लगाओगे ना तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, जो इसको मोमेंटम में जो इसका चेंज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या होगा जानते हैं? रीजन यही है इसका सीधा सीधा रीजन कि इसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा वो आपके फोर्स पर डिपेंड करता है। आप जितना तेज क्रिकेट की बॉल को हिट करते हो उतना तेज उसके मोमेंटम में चेंज होता है, जितना स्लो हिट करोगे उतना स्लो मोमेंटम में चेंज होगा। अगर जोर से मारते हो सिक्सर, स्लो मारते हो तो फिर बाउंड्री। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ था, ठीक है, नोट कर लेते हैं इसको, फिर आगे आते हैं हम लोग। चलिए ये तो हमारा सेकेंड लॉ था, अब देखिए नेक्स्ट जो होता है वर्किंग विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो इनका थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन का लॉ वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है हमारे फिजिक्स में जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर लगे गए फोर्सेस को हम लोग मेंशन करते हैं, वो जो फोर्स लगा रहा है उसको मेंशन नहीं किया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम के तीन स्टेप होते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सिस्टम, ठीक है, थर्ड स्टेप लिस्ट द फोर्सेस, सेकेंड स्टेप और थर्ड है लिस्ट द फोर्सेस ड्रॉ इस, ये जो फोर्सेस लिस्ट करोगे आप कौन सा करोगे जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, वो जो लगा रहा है वो नहीं, सिस्टम जो फोर्स लगा रहा है उसको आप लोग नहीं कंसीडर करते हो, और ड्रॉ द लाइंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपिक्टिंग them with system। ये तीन पॉइंट होते हैं, यानी कि आप क्या करोगे, कोई पॉइंट बना लोगे, उस पॉइंट से जिधर की तरफ फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में लाइंस को ड्रॉ करोगे और आपको पता चलेगा फिर कि ये कौन कौन से फोर्स अप्लाइड है, और ये एफ वीडियो का कंप्लीट होता है। तो ये तो पहले तीन स्टेप हैं, इन स्टेप्स को आप नोट कीजिए, फिर इस पे एक एग्जांपल पे हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रूव में, गड्ढे में, ग्रूव यानी गड्ढे में एक स्टोन या एक बॉल गिरा हुआ है, मान लेते हैं कि ग्रूव में गड्ढे में ये गड्ढा है और इसमें आपका कोई बॉल गिरा हुआ है, ये बॉल गिरा हुआ है, ठीक है, और इस बॉल का एफबीडी आप लोग को बनाना है, ठीक है, इस बॉल का एफबीडी आप लोग को बनाना है। तो देखिए आपने सिस्टम तो आइडेंटिफाई कर दिया, सिस्टम आइडेंटिफाई अगर कर लिए हैं तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले एक पॉइंट बनाते हैं, ये रहा पॉइंट जो डिपिक्ट कर रहा है इस स्टोन को, इस स्टोन के बाद देखिए इस पॉइंट पे यानी सेंटर ऑफ मास को इस स्टोन को डिपेंड कर रहा है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, सबसे पहले तो mg लगेगा, दूसरा जितना भी सरफेस कांटेक्ट में रहेगा वो एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, नॉर्मल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो हम बताएंगे कैसे, अभी थर्ड लॉ को आगे इंट्रोड्यूस करते हैं, बस अभी इतना समझते हैं जितना सरफेस के साथ कांटेक्ट रहेगा उतना नॉर्मल फोर्स। तो कितने सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट है, एक और दो, ठीक है, तो ये रहा इसके साथ एक नॉर्मल एन वन फॉर सरफेस वन और ये इधर से दूसरा फोर्स एन टू, ठीक है, यानी ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, ये डॉट जो कि हमारे स्टोन को दिखा रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि बॉडी को बनाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ बॉडी डिनोट होता है या तो पॉइंट से या किसी छोटे से स्क्वायर शेप से, और उसके बाद उस पर लगे हुए सारे फोर्सेस उसमें दिखाई देते हैं कि कितने किस डायरेक्शन पे और कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम।
अब ये फ्लो डायग्राम को बनाने का स्टेप है, आगे हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे। आज आप लोग को न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बताया गया और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताया गया, तो इन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा अभी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन इसको फ्री बॉडी डायग्राम तभी एप्लीकेबल कर पाओगे जब न्यूटन का थर्ड लॉ समझोगे। देखो, बेसिकली न्यूटन का थर्ड लॉ है क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ ये है जो आप लोग पढ़ते आए हो कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि हर एक एक्शन के साथ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स एफ लगाओगे तो वो भी आपके ऊपर फोर्स एफ ही लगाएगा, सबसे पहला तो ये सबसे। अब दूसरा चीज, ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो भैया ऐसी क्या खासियत है जो कि इसको कंपटीशन में या फिर अपने इलेवेंथ में इसको दोबारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग तो पढ़े हुए हैं एलएम में, नाइन्थ में या फिर टेंथ में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए है क्या इसके बारे में, पूरी चीज़ आप यहाँ पे समझोगे। सबसे पहला चीज़ ये समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है वो बेसिकली दो बॉडीज पे लगता है, ठीक है, बेसिकली दो बॉडीज पे लगता है। कभी भी आप देखो तो दो बॉडीज के बीच में न्यूटन थर्ड लॉ आप एप्लीकेबल कर सकते हो। जैसे अगर आपने फोर्स इधर लगाया एफ, अगर आपने फोर्स इधर लगाया तो इधर भी क्या लगाएगा आपके ऊपर, एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो थर्ड लॉ दो बॉडी के बीच के लिए होता है। अब देखिए उसके बाद सेकेंड थिंग ये होता है कि ये जो इसका डायरेक्शन होता है वो आपको समझाना चाहिए। सबसे पहला तो ये एग्जांपल आप लोग जानते हो, एक और एग्जांपल टिपिकल होता है कि जैसे अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, ये छोटी सी बॉडी है स्मॉल मास, अर्थ का मास, तो ये क्या करेगा आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप लोग पढ़े हुए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके ऊपर ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, यानी कि अगर अर्थ इसको mg से इधर की तरफ खींच रहा है तो ये भी इसके ऊपर क्या कर रहा है, mg से अपनी तरफ इसको खींच रहा है। अर्थ के फोर्स के चलते तो इसका एक्सेलरेशन हो रहा है वो आप लोग देख रहे हो, और इसके फोर्स के चलते अर्थ का भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, पर दिखता नहीं है, बहुत छोटा होता है, एक्सेलरेशन कॉज ही नहीं कर पाता है वैसा, ये रीजन होता है। मतलब मेरा ये है कि ये मार्कर भी अगर गिर रहा है तो जितने फोर्स के चलते ये नीचे की तरफ आ रहा है उसी फोर्स से ये अर्थ को ऊपर खींचना चाह रहा है, पर वो फोर्स इतना स्मॉल है कि वो खींच नहीं पा रहा है, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा याद रखना, ज्यादातर कंफ्यूजिंग होता है कि यार ये एक बॉडी है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए ये एक बॉडी है ये एक बॉडी है, अगर ये इसको अट्रैक्ट करे, यानी दो चार्ज ले लेते हैं ये माइनस और ये प्लस, और माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ फोर्स एफ से, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है इधर की तरफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमें ये बताना है इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, न्यूटन ने बोला था, तो हम क्या वो फोर्स इधर और इधर नहीं लगा सकते हैं, तभी तो अपोजिट है, तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। रीजन ये होता है, इक्वल और अपोजिट का मतलब न्यूटन का ये था, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम, ये उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन किए हुए है, इसलिए फोर्स ऐसे लगता है ना कि ऐसे लगता है। तो ये तीन चीजें आप लोग समझे हो, कॉन्टेक्ट हो तब भी फोर्स लगता है, कॉन्टेक्ट ना हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स या इस तरीके का कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो उधर से भी लगेगा, जैसा कि ये था, ठीक है। और तीसरी चीज है कि जो डायरेक्शन होगा वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, उसके अपोजिट लगता है, ऐसा नहीं कि इस तरीके से, ठीक है, कोलिनियरली बोला जाए, बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्या होगा आपका, होगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, ये हमने तीन चीज के बारे में पढ़ लिया। अब आपको थोड़ा सा न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करना समझा रहे हैं कैसे। ये अपने हेड पे कोई लोड लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि लोड जितना
जो सरफेस कांटेक्ट में रहता है वो नॉर्मल फोर्स लगाता है। नॉर्मल फोर्स यानी कि ये इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन होता है। हर सब्सटेंस के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। सेकेंड थिंग, चार्ज मूव भी करता है तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी कुछ रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स जो भी चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो दो तरीके के फोर्स होते हैं, इसलिए नॉर्मल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नॉर्मल होता है, जो हमने बोला था अभी पहले। तो देखिए ये यहाँ पे क्या करेंगे कि इनके हेड को लोड नीचे की तरफ नॉर्मल लगा रहे हैं, इनके हेड पे जो वेट लग रहा है वो अलग है, उस फोर्स को हम नहीं बोल रहे हैं। जो इसके चलते इसके ऊपर वेट लग रहा है वो अलग फोर्स है। ध्यान से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने हेड पे कोई लोड लिए हुए हो तो लोड का वेट तो लग ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि ये जो लोड का बाहरी इलेक्ट्रॉन है और आपका बाहरी इलेक्ट्रॉन, ये आपस में रिपल्सिव फोर्स भी लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स आपको फील होता है। तो जो दूसरा वाला फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन वाला, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए नॉर्मल फोर्स ये लगा और इधर से भी ये N1 ले रहे हैं, तो ये भी, ये जो हेड है ये भी ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाता है N1 के रेस्पेक्ट में, N1 बोल देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो, जैसे मान लो इसको सिस्टम मान लो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाओगे तो नीचे की तरफ MG और ऊपर की तरफ ये जो लगा रहा है N1, इस फोर्स को आप इंक्लूड नहीं करते हो। यानी कि एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए चाहे कोई भी कंपटीशन दो आप, XYZ, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे NLM के लिए। उन सारे कंपटीशन में जब आप NLM के प्रॉब्लम पे वर्क करोगे तो एक बात को ध्यान देना कि कभी भी जो रिएक्शन फोर्स होते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट में भी पूछ दिया जाए तो रिएक्शन फोर्सेज में से सिर्फ एक फोर्स आप काउंट करोते हो फ्री बॉडी डायग्राम में, देखो सिर्फ एक फोर्स काउंट हुआ, और वो भी कौन सा, वो जो नहीं लगाता है, जो उसके ऊपर रिएक्शन में लगा होता है। इसने रिएक्शन में N1 लगाया पर ये काउंट नहीं हुआ, सिस्टम इसको माना गया था। इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है मैन ने N1, उसको हमने काउंट किया FBD में, तो ये रहा इसका FBD। अब फिर इसको बना के बता दे रहे मैन का, मान लेते हैं ये डॉट मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर सी बात है फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी तो बनाना है नहीं, मैन के ऊपर क्या लग रहा है नीचे की तरफ MG, ठीक है, यहीं पे नीचे की तरफ एक और फोर्स बनाएंगे, इस तरीके से नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम दूर दूर बना देने की आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है MG, यहीं पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है इस लोड का वेट, तो उसको हम लोड बोल देते हैं। और सेकंड उसके बाद देखिए क्या अप्लाइड हो रहा है, इसके बाद क्या लग रहा है, आपने अच्छे से आप देख रहेंगे ये सरफेस है, इसने नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो ये नॉर्मल फोर्स नीचे भी लगाएगा। और दूसरा देखिए ये कॉन्टेक्ट सर्फेस यहाँ पर भी कनेक्टेड है, ठीक है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो ये भी नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा। तो यानी कि एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है सरफेस से और दूसरा इसका वाला N1। अब आता है यहाँ पे ये रहा आपका N1। तो ये रहा प्रॉपर, ध्यान दीजिए, देखिए फिर ये जो NS है वो ये सरफेस लगाया है, वो वाला हमने बनाया, लेकिन इस मैन के ऊपर जो नॉर्मल था, ऊपर वाले सिस्टम को हम लोग कंसिडर किए थे, ऊपर वाले पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो नॉर्मल था वो जो ये लगाया था लोड लगाया था उसको हमने इसमें दर्शाया है, ठीक है। और जब इसकी बात कर रहे थे, लोड की बात कर रहे थे, जो नॉर्मल ये लगाया था उसको हमने दर्शाया। ये जो N1 और N1 है, यही दोनों आपके रिएक्शन फोर्सेस है, न्यूटन थर्ड लॉ के। कभी भी एक फ्री बॉडी डायग्राम में दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, अपोजिट करके आता है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट आता है। तो ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ था और ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम था। अब देखिए इस पर एक दो क्वेश्चंस और आपको दिए जाएंगे, बाकी अपने अगले क्लास में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से क्या करना है। हाँ, लेकिन बाकी इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स आपको बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको टैबलेट कीजिए और नोट करते हैं, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।